एक बार तो मैं बहुत परेशान हो गया था मेरे जीवन में, आज से 10 साल पहले की एक सच्ची घटना सुनाता हूं। मैं उड़ीसा गया, कालाहांडी नाम का एक इलाका है, भारत का सबसे गरीब इलाका माना जाता है। वहां मेरा व्याख्यान था, मैं गया देने के लिए एक गांव में, तो व्याख्यान था, मैं पहुंच गया समय पर। 3 लोग आए थे सुनने के लिए, एक मैं था खुद मेरा व्याख्यान सुनने के लिए, एक माइक लगाने वाला था, एक दरी बिछाने वाला था। 3 लोग आए थे, माइक वाले और दरी वाले की मजबूरी थी और मेरी भी मजबूरी थी, मुझे बोलना था, उनको माइक लगाना था, एक को दरी बिछानी थी, चौथा कोई नहीं था। मैंने माइक वाले से कहा, भाई यहां तो कोई आया ही नहीं, व्याख्यान किसको दूं? तो उसने कहा, मैं बैठ जाता हूं आपके सामने, मुझे ही सुनाओ। और उसने कहा, इसको भी बिठा लेता हूं, दरी वाले को, हम दो तो हैं। तो मैंने कहा, बाकी लोग? तो उसने कहा, आप चिंता मत करो, आप बोलो, हम सुनेंगे। और उसने कहा, मैंने माइक ऐसे सेट किए हैं कि घर घर में आवाज जा रही है, आप बोलो, वो सुनेंगे सब घर में बैठ के। तो मैंने कहा, भैया जो घर में बैठ के मेरा भाषण सुन सकते हैं वो मेरे सामने भी सुन सकते हैं। तो वो एकदम मायूस हो गया, माइक वाला, चेहरा लटक गया उसका, और उसने बड़े धीमे शब्दों में कहा, वो आपके सामने बैठ के नहीं सुन सकते क्योंकि उनके शरीर पर कपड़े नहीं है। तब मुझे उस दिन करंट लगा, झटका लगा, ऐसी भी गरीबी? तो मैंने कहा, भाई अब व्याख्यान क्या देना, मुझे तो इनकी गरीबी के दर्शन करा दो। तो उसने कहा, चलो एक एक घर में ले चलता हूं आपको। तो सबसे पहले घर में हमने दरवाजा खटखटाया, वो सरपंच का घर था, 10 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा, छोटा सा झोपड़ा, आधा टूटा हुआ आधा बना हुआ, किवाड़ भी एक टूटा हुआ था एक लगा हुआ था, पानी जगह जगह से टपकता था। हमने खटखट की तो सरपंच की पत्नी बाहर आई, तो मैंने देखा उस मां के शरीर पर ऊपर कोई कपड़ा नहीं था और नीचे उसने एक छोटा सा टुकड़ा लपेटा हुआ था, वो भी पूरा नहीं पड़ रहा था। हमने कहा, आप अंदर जाओ, अपने पति को बाहर भेजो। तो वो माता अंदर गई, उसका पति थोड़ी देर बाद बाहर आया, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, वो वही कपड़ा लपेट कर आया था जिसको पत्नी लपेट के आई थी। उसी दिन मैं वापस दिल्ली आया और दिल्ली में मैंने भारत सरकार के एक मंत्री से संपर्क किया और मंत्री सौभाग्य से उसी इलाके से चुनाव जीत कर आता है, उसका नाम है भक्त चरण दास, वो सांसद था उस समय जब ये घटना घटित हुई, और संयोग से मेरा उसका परिचय भी था। तो मैंने कहा, भाई तुम्हारे इलाके में तो इतनी गरीबी है? तो उसने कहा, मेरे ही इलाके में नहीं, भारत में ऐसे 37 करोड़ गरीब हैं जिनके शरीर पर दो कपड़े नहीं है, 37 करोड़। भारत की आज की वर्तमान स्थिति से मैं शुरू करता हूं। अभी थोड़े दिन पहले हमारी भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की है और उस रिपोर्ट को बनाने वाले एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। हमारे देश में बहुत थोड़े से अर्थशास्त्री ऐसे हैं जिनका सारी दुनिया में सम्मान होता है, प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता ऐसे ही अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता को कहा गया कि आप ठीक ठीक पता करके बताओ वास्तव में गरीब हैं कितने, तो उन्होंने 4 साल लगाया, अध्ययन किया, अभ्यास किया, बहुत बड़ी टीम उनके साथ खड़ी हुई और उस टीम ने जो रिपोर्ट बनाई वो बहुत तकलीफ देने वाली रिपोर्ट है। वो संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है, देश भर के अखबारों में छप चुकी है, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। वो रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 115 करोड़ लोगों की जनसंख्या में 84 करोड़ लोग गरीब हैं, 115 करोड़ की जनसंख्या में 84 करोड़ गरीब हैं। अब तक हम इस गलतफहमी के शिकार थे कि 37 करोड़ गरीब हैं, 39 करोड़ गरीब हैं, 33 करोड़ गरीब हैं, लेकिन प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट कहती है 84 करोड़ लोग गरीब हैं। और कितने गरीब हैं,
ये भी उस रिपोर्ट में है। उनका कहना है कि 84 करोड़ भारतवासियों को एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपए नहीं है, इतनी गरीबी है। और वही रिपोर्ट कहती है कि भारत में 50 करोड़ लोग तो इतने गरीब हैं, 84 करोड़ के पास तो एक दिन में 20 रुपया नहीं है खर्च करने को। उन 84 करोड़ों में से 50 करोड़ इतने गरीब हैं कि उनके पास 10 रुपया नहीं है खर्च करने को, 50 करोड़ भारतवासियों के पास। और उसी में से 25 करोड़ लोग इतने गरीब हैं जिनके पास खर्च करने के लिए 5 रुपया नहीं है, और 15 करोड़ इतने गरीब हैं इस देश में जिनके पास खर्च करने को 1 रुपया नहीं है, और 10 करोड़ भारतवासियों के पास तो 50 पैसे भी नहीं है खर्च करने को। ये हमारे देश की नंगी वास्तविकता है, कठोर सच्चाई है। जब ये रिपोर्ट आई ना, सबके होश उड़ गए, संसद में और संसद के बाहर, और प्रश्नचिन्ह ये लग गया भारत देश की विकास योजनाओं पर कि आजादी के 63 साल में हमने किया क्या। गरीबी 84 करोड़, आजाद जब हम हुए 15 अगस्त 1947 को, उस समय अंग्रेजों ने एक सर्वेक्षण किया था। अंग्रेजी सर्वेक्षण के अनुसार इस देश में 4 करोड़ लोग गरीब थे 1947 15 अगस्त को, और उस सर्वेक्षण के बारे में उस समय कई भारत के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने ये कहा था कि अंग्रेजों ने ये संख्या जानबूझ के कम दिखाई है ताकि सारी दुनिया में अंग्रेजों की बदनामी ना हो कि इतने गरीब भारत में आपने पैदा कर दिए, तो इसलिए अंग्रेज कहा करते थे 4 करोड़ गरीब हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको संशोधित कराया, जब वो प्रधानमंत्री हो गए तो उन्होंने एक कमीशन बनाया और कहा कि गरीबों की सही स्थिति बताओ। तो 1952 में जब पहली पंचवार्षिक योजना बनी इस देश में और लागू हुई, तब नेहरू जी ने कहा कि इस देश में वास्तविक गरीबों की संख्या 16 करोड़ है। मान लिया 16 करोड़ है, अब 16 करोड़ की जनसंख्या 84 करोड़ हो चुकी है। बहुत बड़ी संख्या है, और 5 वर्ष की योजनाएं जो लागू हुई हैं गरीबों के लिए वो अलग है। ये जो हैरान करने वाली बात है वो ये कि 1952 में हमने गरीबों को मदद करने के लिए एक योजना बनाई थी जिसका नाम है प्रथम पंचवार्षिक योजना, और उसका मूल उद्देश्य था गरीबी दूर करना, मुख्य उद्देश्य था। और नेहरू जी ये कहा करते थे संसद में कि एक पंचवार्षिक योजना लागू हो गई, सारे गरीबों की गरीबी मिट जाएगी। लेकिन वो योजना पूरी हो गई, गरीबी नहीं मिटी। फिर दूसरी योजना आई, वो पूरी हो गई तो भी गरीबी नहीं मिटी। तीसरी योजना आई, फिर भी गरीबी नहीं मिटी। ऐसी 11 योजनाएं लागू हो चुकी है, और हर पंचवार्षिक योजना में गरीबी मिटाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है, आपके टैक्स का, मेरे टैक्स का, हर पंचवार्षिक योजना। आप जो सरकार को टैक्स देते हैं, मैं जो सरकार को टैक्स देता हूं, उस टैक्स का 10 लाख करोड़ सालाना खर्च होता है, माफ करना 5 साल में खर्च होता है पंचवार्षिक योजना में। तो एक योजना का 10 लाख करोड़, तो 110 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, और गरीबी है कि बढ़ती ही जा रही है। एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि अगर हमने 11 पंचवार्षिक योजनाएं नहीं बनाई होती थोड़ी देर के लिए, और 110 लाख करोड़ रुपए सीधे गरीबों में बांट दिया होता, तो हर गरीब को 1.5 लाख रुपए मिल गया होता। एक सौ दस लाख करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किया योजनाओं पर, लेकिन गरीबी बढ़ती ही गई, कम नहीं हुई। काश ये पैसा सीधे गरीबों को बांट दिया जाता
तो अब तक गरीबी मिट चुकी होती। माने 110 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, सामान्य बात नहीं है। 110 लाख करोड़ रुपए को कैलकुलेटर में लिखें तो कैलकुलेटर फेल हो जाता है। कैसे फेल हो जाता है? कैलकुलेटर में 12 अंक आते हैं और 110 लाख करोड़ लिखने में 16 अंक लगते हैं। कैलकुलेटर में ये रकम आती नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। एक दिन मैंने इस रकम का हिसाब निकाला था कि इससे सोना खरीद लें, 110 लाख करोड़ से सोना खरीद लें जो सबसे महंगा है, 17,000 रुपए का 10 ग्राम है इस समय, तो 110 लाख करोड़ से सोना खरीद लें तो भारत देश का पूरा आंध्र प्रदेश, पूरा तमिलनाडु, पूरा केरल और पूरा कर्नाटक और महाराष्ट्र का आधा हिस्सा, इतना बड़ा इलाका इस देश का, इस इलाके के एक एक गांव की सड़क पर 10 मिलीमीटर मोटा सोने का पतरा बिछा सकते हैं। और दूसरा कैलकुलेशन बताता हूं कि अगर सोने का पतरा 10 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर कर दे तो भारत के 6,38,365 सभी गांवों की सड़कों पर बिछा सकते हैं। इतनी बड़ी रकम है 110 लाख करोड़, मामूली रकम नहीं है जो खर्च हुई है। अब एक तरफ 110 लाख करोड़ का खर्चा भी हो गया और गरीबी भी नहीं मिटी, ये अफसोस की बात है। या तो ये पैसा खर्च ना हुआ होता तो हम दिल पे पत्थर रख लेते कि गरीबी इसलिए है कि हमारे पास पैसे ही नहीं खर्च करने को। लेकिन एक तरफ हमने 110 लाख करोड़ खर्च भी करा दिया और गरीबी भी नहीं मिटी देश की। और उससे भी ज्यादा तकलीफ इस बात को सोच सोच कर होती है कि ये 110 लाख करोड़ आपने दिया था, मैंने दिया था खून पसीने की कमाई से टैक्स के रूप में, वो खर्च हो चुका है और गरीबी बढ़ती ही जा रही है।